बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लोग पीछे माता बहनों के लिए देखा था लोग कटिया में छोड़ में सवाल बढ़िया लोग भैया पीछे माता बहनों को बैठा नहीं वो लोग मिलो कर आज इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री जयनाथ सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री अखिलेश मिश्रा जी गुड्डू भैया, श्रीमती मंजू सरोज जी, विनोद राय जी, घनश्याम पटेल जी, मार्कंडे राय जी, हमारे रामाधीन सिंह जी, डॉक्टर माहेश्वरी कांत पांडे संयोजक जी, श्री सुखदेव सिंह प्रभारी जी और डॉक्टर सहजानंद पांडे जी, यहां उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी, हमारे माता बहन लोग और बहुत ही उत्साह हमें यहां दिखाई दे रहे हमारे निरहुआ हिंदुस्तानी को भर लो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं इस पावन पवित्र धरती पे। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो मैं बिना किसी लाज लपेट के बिना किसी भाषण के सीधे सीधे आप लोगों से एक सवाल जानना चाहता हूं और उस सवाल का जवाब आप अगर मुझे दे दिए तो मैं समझूंगा कि बाबा ने हमारे ऊपर भरोसा करके आप लोगों पर भरोसा करके मुझे यहां भेजा है तो उनका भरोसा आप कायम रखने वाले हैं। सिर्फ एक सवाल, कौन बनेगा 2019 में प्रधानमंत्री? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप सभी लोग हाथ उठा के बताएंगे, सब लोग हाथ उठा के बताना, केवल प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। आप लोग ये बता रहे हैं कि जवन चीज पूरा देश चाहा था वह आजमगढ़ में चाहा था। पूरा देश बल्कि हम कहें कि पूरा दुनिया आज चाहता कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री फिर से इस भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी बने। और हम यात्रा है आ रहे सवाल है ना तो हम कौन में क्योंकि हुआ कितना जरूरत है राजनीति नहीं लेकर लेकिन उनको छोटा कहो भी हो सकता एक मतलब आप बढ़िया बढ़िया फिल्म बनाओ तो रहा नेता बनिएगा तो फिर दुनिया कैसे देखा जाए। हम तो हम लोग तो बतावे चाहते ही हो भैया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी मुंबई से मुझे ये वादा करके लेके आए हैं कि निरहुआ आजमगढ़ की जनता तुम्हें चुनेगी और फिर आजमगढ़ के किसी बच्चों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई की फिल्म सिटी मन उठा के आजमगढ़ में लाऊंगा। और यह मैं कई बार आपको कहा जब भी आपकी सभाओं में आया मैंने यह बात कही लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता चले कि मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं आपसे मिल रहा हूं और आपके गांव घर में आके कह रहा हूं वो झूठ नहीं कह रहा हूं।
मतलब की निरहुआ बम्बई ना गई। अखिलेश भैया हमारे बड़े भाई हमर श्री अखिलेश यादव जी हमारे बड़का भैया कह रहे कि हमारे सामने एक नाचने गाने वाले को उतारा गया है। हम उनसे ही कल चाहते हैं कि नाचे गावे वाले के बारे में अपने बाबू से पूछना। राजनीति में नहीं आए थे हमारे पर भैया अखिलेश यादव जी। 2003 की बात बताता हूं आप लोगों को। निरहुआ एक गरीब घर में पैदा हुआ, टूटी हुई चप्पल थी पैर में, एक टूटी हुई गाड़ी थी और मुझे बुलाया गया था एक कार्यक्रम में जहां समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था और समाजवादी पार्टी के सभी शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। हम भैया एक कानवा से अपन टूटही जीप उठा के गोरखपुर जात रहे, प्रोग्राम में पहुंचे खातिर। अब टूटही जीप रहे भैया लेट हो गए। मंच पर जितना समाजवादी पार्टी का बड़ा बड़ा नेता लोग सब बैठल रहे, तू कही जी भोजनी वो कोने भी आके खड़ा करी। अब जब वहां से ऊपर के चरण शुरू के लिए सुबह में टूटल चप्पल वाला निरहुआ तो पूरा जनता खड़ा होकर तबले ताली बजाऊंगा जब मंच पे ना पहुंच गई। और जो लोग ये धर्म पान कर बैठे हैं अखिलेश यादव तो हमें पहचान रहना और अखिलेश यादव से चुनाव लड़ हुआ उनको बताने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई। अखिलेश यादव भैया जिस दिन राजनीति में नहीं आए थे ये तब की बात है और इंडिया टुडे ने लिखा था निरहुआ के आगे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता बौने नजर आए। हीरो नारायणी मत, हीरो नारायणी हो खाली हो कौन लोग के सकवाए वो मजा दे रहा लो उतना मेरी हंगामा हो गए बार। और उस मंच पर माननीय मुलायम सिंह यादव मौजूद थे और उन्होंने कहा ये कौन लड़का है, कहना लगी निरहुआ, कहना कि हाँ तो एक यश भारती को डालो कि पूर्वांचल का हीरो बनने वाला तो ठीक है। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था कला के क्षेत्र में मैंने काम किया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, देश दुनिया में पूर्वांचल का नाम किया तो मुझे सम्मान मिला। अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यश भारती को पुरस्कार दिया श्री अखिलेश यादव ने और उनके सामने चुनाव लगाया। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई, अखिलेश यादव भैया ने तो मुझे यश भारती दिया था, जिस मां बाप ने मुझे जन्म दिया है अगर वो भी देश के खिलाफ खड़े होंगे उनसे भी मर जाऊंगा। है और भैया 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 आप लोग के ही बतावे खातिर आ रहे हैं। 2003 में तो बतौने रही वो एक फिर तो हजार आ रही केहू जीवन किया नहीं करके दिखाएंगे। भैया हो बहनी हो हम खाली ये बतावे खातिर आ रही हैं कि आप लोग 1947 में जब आजाद हो गए तो आज क्यों गुलामी कर रहे हो भाई, क्यों? नौजवानों से पूछना चाहता हूं क्या मजबूरी है तुम्हारी, किस बात के लिए पर यह काम कहता है इधर चलो कोई घर चल देते हो उधर चलो कोई घर चल देते हो, तुम्हारी अपनी सोच नहीं? आपको समझना पड़ेगा 1947 से पहले हम गुलाम थे, आज हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। और उस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए ही ये हुआ यहां आया है। आपको संगठन का
संगठन का सदुपयोग करो। जब जरूरत पड़े तो उस संगठन को लेकर इस देश के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन जाएगा हमारे लड़का के समझ लेना यार,
तुम हमारे लड़का मतलब कम से कम तुह के समझ में आ गए आजम को फिर हमें हरा के भेजा तो क्या उस समझ में आ गया तो भैया हो बहनी हो चाचा हो चाची हो ज्यादा समय ना रहा अब हम खत्म कर रहे हैं अपन वक्तव्य और कामना एक शर्त लगाना भाई कि यहां एक फैली रहुआ से काम ना चली घर घर में रहुआ बने तो पड़ी बनवाना बनवाना माता बहन लोग बताओ अपने बताओ मेरे हवा बनेगी ना हाँ तो टू लाइन दावत है कि सभी लोग सीख लिया जहां गई आलो यह गाना गई आलो ठीक है कलिया सोच के मत बनाऊ मोरे देश के लोग मोरे देश के लोग हमारे आजमगढ़ के लोग खाली आजमगढ़ ना आजमगढ़ के लोग हमारे लालगंज के लोग और लालगंज के लोग हमारे मेहरगढ़ के लोग मेहरगढ़ के लोग हमारे पूर्वांचल के लोग सोच के मत मोरे देश के लोग और अगर गलती कहना तो जो सवा बेच भी है बेमनवा मेरे देश के लोग देश बढ़ के कुछ ना होना सब बातें बेकार हे भैया आई बेटा सामने हम के हम मुख्यमंत्री बैठा हो इनके सोच में और हमें बड़के भैया अखिलेश यादव की सोच में कितना अंतर है समझ लिया लो नामांकन करने आए थे आजमगढ़ में नामांकन के बाद उन्होंने कहा बच्चों को दौड़ लगाने की खाली कह दिया जाए कि भाई दौड़ लगाओ दौड़ निकाल लिए तो भर्ती कर लो जब गंदाई पकड़ना है तो परीक्षा क्यों करते हो हम सुनने कभी पाप हो इतना गंदी राजनीति इतनी छोटी सोच क्या कहना चाहते हैं आप परीक्षा नहीं होनी चाहिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा भैया आजमगढ़ के लोग समझना वो ऐसे कहना कि जब कार अपने लड़कों से पूछूंगा अरे स्कूल का नहीं है तो कहीं जो परीक्षा ना उसे कहां गई हो कहीं कि ना कहीं तो अखिलेश भैया की सोच यह है कि आजमगढ़ के लोगों को अनपढ़ बना दो आपके बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं ताकि जब अनपढ़ रही ना तो पीछे पीछे जिंदाबाद करिए कहीं खुनो में अखिलेश खुनो में अखिलेश खुनो में अखिलेश और अगर पढ़ लिया समझदार हो गई ना तो कहीं भी खाली खोलवा में ना पूरे रोम रोम में देश देश और देश बस इसे छोड़ सा कहानी सुना के खत्म कर मुन्ना रसोदीन के नाम सुने वाले मुन्ना रसोदीन जब गांव में स्कूल ना रहा तो गांव में गांव में जाकर पढ़ावा एगो कदहा रहा वही कदहावा को वही से जाए एक दिन बगैचा में गदहावान के सुल्तान रहना गदहावान कहला कि नसरुद्दीन साहब आप तो पूरा गांव गांव घूम के सबके पढ़ावेला तभी तू अच्छा रहना के पढ़ा लेता नसरुद्दीन कह रहा भाई हम तोके ना पढ़ाई गदहावान कहला कहा है इतना दिन से तोके भोगो थी हम के ना पढ़ा सकल कहना भाई ना पढ़ले हुए तब तो धोवत हुए तो जब पढ़ा गए तो फिर हमारे ऊपर चल जाएंगे तो अखिलेश भैया को सोच किया
आंदोलन के अंदर बना था, आने वाली पीढ़ी पढ़ा लिखाना और जिहा उतरा है कहें कि हर सही है तो यह चला, हर सही है तो यह चला ना हो भैया, आपन दिमाग लगावा, स्वतंत्र बन जा, जिससे निरहुआ स्वतंत्र बन गया, निरहुआ के ऊपर दबाव मिला, क्योंकि कह लेना क्योंकि भागो लेना निरहुआ के पता है कि स्वतंत्र करूं उनका जो मैं भागों में प्राण गवाते हैं तब नहीं बेच मन का प्रकाश तो रोटी का मोल चुकाते हैं। हम सोचिए कहानी हम कहा सुनौनी है, कहानी ऐसे सुनौनी है कि एक तरफ गंदी राजनीति करे वाला ऐसा सोच रखे वाला हमारे बड़े भाई हुआ अखिलेश यादव जो हम आपके बच्चन के अनपढ़ बनाना चाहते हो, और एक तरफ हमके जो यहाँ राजनीति में लेके आई बा हम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब हमके कहा कि ना आज हम चुनाव वाला तो हम पूछ रही कि बाबा हम का कहो गांव से जाके हम तो कुछ यहां कहिए ना आई खाली सूपी उपी कहिए। बाबा कहो कि जाके कह दिया जैया चुनाव खत्म हुई और दूसरे दिन आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी भवन तैयार हो गया। ये होती है, ये होती है बड़ी सोच, पूरे देश को साथ लेकर चलने की सोच, और इस सोच के साथ हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी और श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबको पढ़ाना चाहते हैं, सबको सिखाना चाहते हैं, किसी को अनपढ़ बना के गुलाम बनाना नहीं चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं और से बस इतना हाथ जोड़ के कहा था कि जब दोनों ने बतिया मानत हुआ कि ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होते के चाहिए मानत हुआ ना तो भैया हो जे जे तैयार हो गए वो तो ठीक है, जे जे अभी गलत फहमी में पड़ा गया खास करके हमारे बिरादर लोग बताना चाहते हैं कि सुना हाथ में अंजुरी में कंकर भरने वाला अब कंकर लेके ना थोड़ा रास्ता में कहीं हीरा गलू बिगर आई अगर लालच में पड़ा लगा कि आई कंकरवा फेंकबो न करी आ हीरा हमके मिलू जाए तो ना हो पाई तो ये हथवा में से कंकरवा झटक दा हथवा खाली हो हीरा अपने आप हाथ में आ जाए। और ये देश का हीरा, ये देश का हीरा रतन आज पूरा दुनिया मानत है, एक ही व्यक्ति है जिनको आज पूरा दुनिया कह रही है कि ये पूरे दुनिया के नेता बन सकते हैं और वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप लोग सब लोग मैं खास करके बाबा को बताना चाहता हूं, बाबा ये जितने यहां कार्यकर्ता हैं, जितने मोर्चा के लोग हैं, जितने पार्टी के लोग हैं और जितने हमारे ये सामने बैठी हुई जो जनता है, ये सब लोगों ने इतना साथ दिया है, जिस दिन से आया हूं ये सब लोग मेरे साथ खड़े हो गए। मुझे लगी नहीं रहा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूं, पूरा आजमगढ़ मेरे साथ खड़ा होकर वो चुनाव लड़ रहा है, इस बात के लिए मैं पूरे आजमगढ़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 तारीख के खाली से आ लो बूथ पर जाके कमर वाला बटन देख लिया कहें कि तुहरे लड़का तुहरे बेटा अरे जीरो से हीरो तो अन्य लोगों को बनने वाला हो। हाँ तो नचनिया का थोड़ा फिर भैया नचनिया के सांसद भी है आजमगढ़ बना के भेजिए। और बना कब जब कमल के निशान दबाई डालो तब कमल के निशान दबा देगा और ये कोनो निरहू गुरहू अखिलेश दिनेश का चुनाव ना है, प्रधानमंत्री का चुनाव है।
और एक एक वोट तो हम तस्वीरें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाने वाला है। तो हाथ जोड़ के यही विनती है आप लोगों से, धूप में आप लोग इतना समय दिए हैं, आए हैं, अब आगे जो भी चीजें हैं वो हमारे मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको संबोधित करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, हम भी उनको सुनने के लिए यहाँ आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।